बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियाँ जफर और आप देख रहे हैं मियाँ फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जी सुबह की एक्टिविटी, संडे है आज, तो सुबह की एक्टिविटी दिखाते हैं कि हम अपनी मुर्गियों को, अपने बर्ड को जो है किस तरीके से संभालते हैं, किस तरीके से उनको दाना डालते हैं और कैसे कैसे उनको पानी वगैरह पिलाते हैं ताकि वो बीमार भी ना हो और उनकी सेहत भी अच्छी हो। तो मेरे दिल में आया कि मैं ना क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ में ये चीज़ें शेयर करूं ताकि उनमें अवेयरनेस पैदा हो और वो भी इस तरीके से जो है ना वो अपने घर में ये चीज़ें रख के कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। पर हम आ जाए, आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे ये इनके पर्दे, अंडा भी दिया हुआ देखो माशाल्लाह, मुर्गी अंडा रोक गई थी सर्दियों की वजह से, तो ये उन्होंने एक अंडा मुझे कल में नहीं खाया और उन्होंने अंडा दिया, तो उम्मीद है कि अब अंडे दोबारा शुरू कर देंगे और हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। फिर थोड़े से सर्दियों में हमारी अर्निंग कम हो गई थी, अब इंशाल्लाह अर्निंग दोबारा जो है ना शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं इस तरीके से हमने सारा इनका सेटअप किया हुआ है। अब हमने ये दाना इनके लिए फीड मिक्स की हुई है, ये ना इसमें 13 नंबर फीड भी है जो अंडे के लिए होती है और बाकी मिक्स दाना है जो मतलब ना ये मुर्गियों के लिए होता है। इसमें चने वगैरह, दालें, मकई, हर चीज़, बाजरा की शामिल होती है, गन्ना वगैरह, ठीक है। ये हम डालते हैं इनको और कुछ इस तरीके से डालते हैं, ये देखिए देख रहे हैं माशाल्लाह, उस तरफ से भी खा रहे हैं और उस तरफ से भी खा रहे हैं। अब आगे आ जाएं जी, इनकी बारी आ जाती है। ये देखें इस तरह, इस तरीके से माशाल्लाह आप देखें कितने प्यारे भी लग रहे हैं ये खाते हुए भी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो अम्मा मोटर चला दो बेटा। अब हमने ना इनके लिए, अच्छा आपको इधर को दिखाएं, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखें ज़रा चेक करें इसके काम। इसने ना ये सील मुर्गा, इसने ये जाली तोड़ दी है सारी और अब ना ये इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, कभी कभी तो निकल भी आता है, ठीक है। लेकिन इधर से इसको निकालते हैं ऐसे, ये देखें माशाल्लाह। ओह वाह, मुर्गी भी आ गई, मारो नहीं भाई उसको। अच्छा एक ना हमने इधर से छोटा सा हमारा सील का, इसी का बच्चा ही है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है, हम हाथ में नहीं पकड़ सकते असल में ना, वो फिर यूट्यूब में थोड़ा सा नहीं मारना नहीं। अच्छा लग रहा था, ये देखिए ये कैसे मेरे पीछे आएंगे। बहुत खराब हो, बहुत खराब हो आप। अच्छा ना हमने ना वैसे पूछा कि अंडा तुम खा लेते हो कुछ तोड़ने में, ये देखें ये अंडा दिया है, कल भी एक दिया था, ये सारी अंडा बंद कर गई, कोई भी अंडा नहीं दे रही थी, लेकिन अब ना एक एक दो दो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर ये ज़्यादा हो जाएंगे, फिर सही अब नहीं होगी। अब ना इसे ये देखें, हमने इधर ये रखे हुए हैं तकरीबन ये दो अंडे, ये एक सील का है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि हम ये हमारे पास ये अयाम समानी ग्रेस बॉन और ब्लैक बॉन जो है मुर्गी, हम आपको ब्लैक बॉन से भी खाते हैं, ये सारी इधर वाली ग्रेड वन है, वो वाली ब्लैक वन है। और यहाँ पे ना हमने क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ना एक चीज़ और की है, ये जो मेल है ना इसके साथ पहले ग्रेस बांध थे, मैं वो आपको वो भी दिखाता हूँ, वो थोड़े क्वालिटी में लो थे, हमने क्या किया, हमको प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज़ की क्योंकि डिफेक्टेड पीस आते थे, वो हम सेल नहीं करते थे, लहदा कर लेते थे, लेकिन ये है कि हमको डिफेक्टेड पीस तो चाहिए ही नहीं, हमको तो ओके पीस चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो ब्लैक जबान के साथ ग्रेस बांध का मतलब ब्लैक बांध का मेल था और ग्रेस बांध की मुर्गी के साथ जो चिक्स आए थे ना, उनमें से ये मेल निकले थे, ये वाला जो मेल नज़र आ रहा होगा आपको जो फीड खा रहा है, ठीक है, ये मेल निकले थे। हमने अब ग्रेस बांध के साथ ये लगाए हैं और क्वालिटी इम्प्रूव की है इंशाल्लाह, अब मेरे पास चिक्स आए हैं इस वक्त, ठीक है, मैं साथ में थोड़ी सी वीडियो वो भी लगा दूँगा,
ठीक है, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी उनकी आई है, तो हमने ये ग्रेज़ बान की भी अच्छी क्वालिटी में इंशाल्लाह चिक्स दे रहे हैं, और ब्लैक बान की तो है ही अच्छी क्वालिटी, वो तो आप लोगों को पता है जो यहाँ से मनी को इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा मैं आपको वो दिखाता चलूँ जो हमारे ग्रेज़ बान के मैंने साइड पर कर दिया, ये देखो ये वाले हैं वो, ये तीन बेल हमने इधर साइड पे कर दिए, या तो इनको कोई मतलब ज़रूरतमंद हमसे लेगा हम सेल करेंगे, या फिर हम इनको ज़िबा करके जो है ना वो इसकी टिक्का पार्टी करेंगे हम, ठीक है। ये देखो जी हमने ये पानी डाल दिया इनके साथ, इनके लिए हमने किस तरीके से इनको पानी पिलाना है, आप लोग भी इस तरीके से अगर घर में मुर्गी रखते हैं ना तो ऐसा सिस्टम करें, हम ये पानी बाहर रख लेंगे, हम बाहर ना एक एक को खोलते जाएंगे, एक एक केज वो बाहर आते जाएंगे और पानी पीते जाएंगे, जैसे वो पानी पी लेंगे ठीक है, फिर हम ना उनको वैसे ही उस केज में बंद करेंगे, थोड़े से दाने डाल के कर देंगे, वैसे उसको मतलब ना बढ़ा के अंदर बंद कर दें, दूसरा खोलेंगे ऐसे पानी पीएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके केज के अंदर जो है ना वो उनका बेड गीला नहीं होता, पानी नहीं गिरता, क्योंकि पानी गिरेगा बेड गीला होगा, गंदगी ज़्यादा मतलब ना फैलेगी, खुश्की रहेगी, कोई ऐसा मसला नहीं होता, इनकी वेस्ट खुश्की से वो ब्रीक होती जाएगी, हम दूसरे दिन तीसरे दिन इनकी जो है ना वो सफाई कर देते हैं तो ज़बरदस्त होता है, स्मेल भी नहीं आती, क्योंकि स्मेल जब इनकी वेस्ट जो है ना वो गीली होगी फिर स्मेल आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ना वो गौर कर दिया, अब मैं ना ये इनको निकालता हूँ आप देखिएगा जी। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि हम इनको पानी किस तरीके से पिलाते हैं और जिसकी वजह से इनकी सेहत भी अच्छी रहती है और ये एक्टिव भी है और हेल्दी भी रहते हैं। ये देखो माशाल्लाह, इसी से हमने इसको केज को खोला, ये बाहर आए, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, हम ना ये थोड़ा सा आपको दूसरा भी ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इनको ऐसे निकाला, ठीक है, इनको हमने बंद कर दिया जो पहले वाले निकाले थे, ये भी इस तरीके से पानी पिलाएंगे, तो इसी तरह ही हम सबको ऐसे बार बार निकालते हैं और पानी पिला देते हैं, एक दिन में दो दफ़ा, हम सर्दियों में तो बिल्कुल एक दफ़ा ही करते थे और फीड भी एक दफ़ा ही डालते थे, लेकिन अब हमने आज मेरा थोड़ा मौसम चेंज हो गया है और पहले से मतलब ना टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, अब हमने फीड भी एक दफ़ा इनको और डालनी शाम के वक्त और पानी भी दो तीन दफ़ा हम ऐसे मतलब ना गर्मी आम से पिलाएंगे, मैं नहीं होता तो बच्चे मतलब ना ऐसा कर देते हैं। अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ, मेरा ना ये मियाँ फार्मिंग का चैनल है और इसके अलावा हमारा चैनल है प्रॉपर्टी के हवाले से अपना घर के नाम से, मैं इसमें उसका ना लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मेरे बच्चे भी जो है ना वो ये बुलाते हैं ब्लॉग वगैरह, इनके पास रैबर्ट है, बल्कि रैबर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने बच्चे भी दिए हुए हैं लेकिन वो अभी बाहर नहीं आ रहे, मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा सकूँ, तो इस तरीके से ये इनकी एक्टिविटी होती है जब ये फ्री होते हैं, फिर ये ब्लॉग बनाते हैं, तो उसको भी पसंद करें, मोहम्मद बिन जफर के नाम से मेरे बेटे का चैनल है, तो इंशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी अच्छा ब्लॉग बनाता है, आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, कोशिश करें कि उसको बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज ही हम आपको ना अब ऊपर का व्यू दिखाते हैं ज़रा कि हमने ऊपर क्या कुछ रखा होगा, अरे हम आपको ऊपर लेके चल रहे हैं, ये देखें वाह, इधर आए जी, इधर आए, ज़रा इधर आया, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है, ये देखें ज़रा, ये रैबिट, ये माशाल्लाह मादा है, इसने बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने दरवाज़ा खोला था तो ये ना चारा खाने के लिए इधर इधर सब्ज़ा खाने के लिए आ गई है, इधर इस तरह इसका नर किधर गया है वो देखो, वो कहाँ पर बैठा हुआ जाके। अच्छा इसके ना हम आपको बच्चे दिखाते हैं अगर नज़र आए तो, मैं कोशिश करता हूँ वैसे, ये हमने ना इनका केज, हमने पहले आप हमारी इनकी अगर वीडियो देखे ना तो एक और बनाई हुई है, लेकिन उसमें ना वो नहीं, बच्चे इसके एक्सपायर हो गए थे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना आपको सही तरीके से सारा कुछ ना दिखा सकूँ। इनके भी बेबी हैं, मोहम्मद इनसे खेलता रहता है, ठीक है। और ये हमारे पीछे यहाँ पे यांसमानी है, उधर हमें असील रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो हमारा एक सेटअप है, वाह आ रहे आ रहे आ रहे, दिखाओ नीचे, वाह नाजरीन तो देखें माशाल्लाह, ये एक बेबी जो है ना वो क्यूट क्यूट नज़र आ रहा है, चार बेबी हैं माशाल्लाह इनके, तो बड़े ही क्यूट हैं, ठीक है। ये तो अनकरीब बस ये बाहर निकलने वाले हैं, जैसे ही ये बाहर निकलेंगे हम इनको ना इंशाल्लाह आपसे शेयर ज़रूर करेंगे, तो ये मोहम्मद भी बनाएगा व्लॉग इनके हवाले से, तो आप वो भी देखें इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये जी एक हमारी ब्लैक बकरी है, हमने ये भी करके सारा शौक रखे हुए हैं, तो फैमिली तो हमारी तंग है थोड़ी सी इस वजह से कि ये गंद वगैरह डालती है ज़्यादा, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ, उनकी भी बातें सुनता हूँ मैं, तो आपको हम दूसरी बकरी भी दिखाते हैं।
माशाल्लाह हमने ये दो बकरियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं दे रही, समझ नहीं आ रही, एक साल हो गया मुझे रखे हुए। ठीक है, तो इसका छोटा बच्चा था, इस बकरी का था एक छोटा बच्चा, तो मोहम्मद उससे बहुत प्यार करता था। मोहम्मद के ब्लॉग में वो वीडियो लगी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, मोहम्मद बिन मुजफ्फर के नाम से ब्लॉग है, चैनल है सॉरी। तो उसका बच्चा था जो था बहुत ही प्यारा था, बड़ा ही क्यूट था, लेकिन बस ना वो कुछ बीमार हुआ है, बारिशें वगैरह हुई हैं और सर्दी लगी है, उसका पेट फूल गया, वो एक्सपायर हो गया, वो हमारे हाथों में मेरे में एक्सपायर हुआ। और मोहम्मद इतना रोया, यकीन करें मेरे दिल को भी कुछ होने लग गया था। और मोहम्मद की आपी भी जो नाम लायका, वो भी बड़ी रोई, क्योंकि दोनों दोनों बच्चे में इतना लगाव था उनके साथ कि वो काफ़ी मतलब ना उनसे महसूस हो चुके थे कि बात है क्यों मार रही हो आगे, उसका बच्चा जो ना वो अलग पास चला गया और आप क्या कर रही हो। अच्छा, ये ना आपस में ऐसे बड़े झगड़ती है, मैं ना इसको मारती है, ये थोड़ा ताकतवर है ना, तो आपको पता है ताकतवर कोई भी है तो वो कमज़ोर को हमेशा मारने की कोशिश करती है। ये दंदियाँ भी काटती है इसके कान, ये देखो कैसे इसने काटी है, ये काट काट के ना ऐसे इस तरह से ये जख्मी कर देती है, देखो। फिर अब ना मैं इनको डालता हूँ, मैं रात को लेके आया और इनके लिए चारा, तो ये देखो माशाल्लाह इनके लिए चारा कैसा है, ये देखिए चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त चारे के साथ ये खाएंगे। गाजर का तो ये बड़े शौक से खाती हैं, और माशाल्लाह इससे इनकी जो ना वो हेल्थ भी अच्छी होती है, तो हम तो इस तरीके से रखते हैं। ये देखना, ये ज़रा ये खाते हैं, आ जाओ भाई, ये है ये आ गया लेके भाग गया, ये भी आ गया। ये थोड़े मोटे मोटे पीस हम इनके लिए निकाल के इधर रख देंगे, ये भी खा लेंगे और बकरी भी जो पेट भर के खा लेंगे। एक वो उधर बैठा हुआ है, चलिए व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने शौक पूरे कर सकते हैं अपने घर में और अर्निंग भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक जो है ना ये अर्निंग करके अपने घर का निज़ाम इन चीज़ों से चला रहे हैं। ये तो चले अभी मतलब हमें इनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह होगा, चेक ही है हमारे पास पड़ा हुआ, हम सेल भी करें तो अच्छे खासे मतलब ना अच्छी खासी अमाउंट हमें हासिल हो सकती है किसी एमरजेंसी में, अगर ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह करे ना ऐसी एमरजेंसी आए खुदा ना खास्ता, ठीक है, किसी पर भी ना आए, अल्लाह ताला आपकी भी जो है ना वो मुश्किलें आसान करे और हमारी भी मुश्किलें आसान करे, दुआ है अल्लाह ताला की। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, नए आने वाले लोग जिन्होंने किया हुआ उनका बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह हम मज़ीद अरे आपकी हौसला अफजाई होती रहेगी तो हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना आपके लिए बनाते रहेंगे, ये चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमको ये यहाँ इसमें जो है ना वो मुर्गियों में कितनी अर्निंग होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।